उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में शंकर नाम के किसान पर आरोप है कि उसने अपने बेटे की बहू की गला दबाकर हत्या कर दी। रिश्ते को शर्मसार करती ये घटना मुरादाबाद के थाना मझोला क्षेत्र के डिंडोरी ग्राम की है। पेशे से किसान शंकर की पत्नी सुमन की 4 महीने पहले बीमारी के चलते मौत हो गई थी। शंकर अपने बेटे अंकुर, अंकुर की पत्नी सीमा व 4 महीने की पोती के साथ रहता था। सोमवार की सुबह शंकर के खेत पर काम पर जाने के बाद अंकुर भी घर से निकल गया। देर रात जब अंकुर अपने घर पहुंचा तो उसके पिता ने अपने बेटे को बताया कि उसकी बहू सीढ़ियों पर से गिर गई थी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। अंकुर ने पत्नी की मौत की खबर सुनते ही रोना शुरू कर दिया। सीमा की मौत की खबर चंडीगढ़ में रहने वाले उसके परिवार को भी दी। तड़के सीमा के परिजन मुरादाबाद पहुंचे तो उन्हें सीमा का शव देखने के बाद सीमा की हत्या का अंदेशा हुआ, जिस पर पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब पूछताछ की तो शंकर ने अपना गुनाह कबूल करते हुए पुलिस को बताया कि वो सर थाना मझोला क्षेत्र में शंकर नाम के व्यक्ति ने अपनी बहू सीमा की गला दबाकर हत्या कर दी 1 दिन पहले। आज पुलिस पहुंची, क्या है पूरा मामला? ये आज पुलिस को सूचना आई थी कि थाना मझोला क्षेत्र में एक महिला है जिसकी हत्या कर दी गई है। मौके पर जब पुलिस पहुंची तो पता चला कि इसकी हत्या 1 दिन पहले हुई थी, और जब ये लड़की के परिवार वाले जब इसके घर पर आए तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। इसमें इसके ससुर पर आरोप लगाए जा रहे हैं, तहरीर ले ली गई है, मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, हत्या जो है 1 दिन का छुपाने का प्रयास किया गया, ये विवेचना का पार्ट है। इसमें जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।